शिव गुफा एक पहाड़ी पर स्थित एक पुराना पवित्र स्थान है जिसे स्थानीय रूप से गोबरभा या गाय का गर्भ के रूप में जाना जाता है। गोकर्ण के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक शिव गुफा मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंतरिक सज्जा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। भक्तों की भीड़ से लेकर नियमित पर्यटकों तक शिव गुफा में देश भर से भारी संख्या में लोग आते हैं। सबसे बड़े आकर्षणों में से एक गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग है। मंद रोशनी के कारण यात्रियों को गुफा की खोज करते समय एक दीपक ले जाने की सलाह दी जाती है। यह बड़ी संख्या में चमगादड़ों का घर है और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। गुफाओं का आंतरिक भाग शिव गुफा अपने आश्चर्यजनक परिवेश के कारण हर किसी के लिए घूमने लायक एक शानदार जगह है। यह सिरौर में एक ऐतिहासिक पवित्र स्थल है जो तत्तापानी से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में शिवरात्रि उत्सव विशेष रूप से उत्साहपूर्ण होता है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा यह गुफा प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। आप गुफा में स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स की उत्कृष्ट संरचनाएं देख सकते हैं। मछली पकड़ने और धूप सेंकने के लिए उपयुक्त यह मंदिर सतह से 10 मिनट की ड्राइव या 450 सीढ़ी की पैदल दूरी पर है। इसके नाम के पीछे की कहानी गुफा को गोविना किवी के नाम से जाना जाता है जिसका अनुवाद गाय का कान होता है। गुफा का नाम गोकर्ण शहर के नाम पर रखा गया है और इसमें दो प्रवेश द्वार हैं। ऐसा माना जाता है कि 100 साल पहले यहाँ एक सुरंग मौजूद थी जो देश के दूसरे क्षेत्र उत्तरकाशी से जुड़ी हुई थी। आज मौसम परिवर्तन के कारण सुरंग बंद है। गुफा में दो कमरे हैं, मुख्य प्रवेश कक्ष और नीला चैपल कक्ष। यह दिलचस्प कहानी इसके आकर्षण को और बढ़ा देती है। गोकर्ण में भव्य सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए यह सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। शिव गुफा का इतिहास। गुफा में एक शिवलिंग है जो आश्चर्यजनक दृश्यों से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कॉस्मोस के बनने से पहले त्रिमूर्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। सृजनकर्ता को तपस्वी होना था, उसके बाद संरक्षक और फिर विध्वंसक। उस समय न तो भूमि और न ही पानी का निर्माण किया गया था। घोर तपस्या के बाद 100 साल बाद ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। महेश्वर अभी तक तपस्या के पास नहीं लौटे थे। ब्रह्मांड का निर्माण शुरू करने से पहले उन्होंने काफी समय तक इंतजार किया। अंततः भगवान शिव को पृथ्वी पर ही सीमित कर दिया गया। फिर वह अपनी तीसरी आंख की क्षमताओं का उपयोग करते हुए प्रकट हुए। इस प्रकार गंदगी से बाहर निकलने पर गुफा जैसी इमारत की खोज की गई। कैलाश पर्वत पर तपस्या करने और स्वयं लिखित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के बाद लंका के राक्षस राजा रावण को शिव से आत्मलिंग प्राप्त हुआ। शिव ने रावण से कहा कि पवित्र आत्मलिंग को कभी भी जमीन पर स्थापित नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे जहां भी रखा जाएगा वह जड़ पकड़ लेगा। जैसे ही रावण गोकर्ण के निकट पहुंचा, विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को ढक दिया, यह जानते हुए कि रावण अपने दैनिक अनुष्ठानों संध्या वंदन पहिया को निष्पादित करने में तत्पर था। रावण शाम की प्रार्थना के लिए गोकर्ण में रुका, क्योंकि उसे आत्मलिंग से सावधान रहना था। उसने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने एक ब्राह्मण बालक भगवान गणेश के भेष में को देखा और उसे प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद लौटने तक आत्मलिंग को अपने हाथों में रखने का आदेश दिया। भगवान गणेश ने लिंग को केवल एक ही शर्त पर रखने की सहमति दी, वह ऐसा तब तक करेंगे जब तक वह लिंग का वजन संभाल नहीं सकते और फिर रावण को 3 बार बुलाएंगे और यदि वह पहले नहीं आया तो वह लिंग को जमीन पर गिरा देंगे। जब रावण अपने अनुष्ठानों को अंजाम दे रहा था तो भगवान गणेश ने उसे जल्दी से 3 बार बुलाया, लिंग को मिट्टी पर रख दिया और भाग गए। आत्मलिंग लगभग तुरंत ही मिट्टी में मजबूती से समा गया। रावण को एहसास हुआ कि देवताओं ने उसे धोखा दिया है। रावण ने इसे मुक्त करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप लिंग के आवरणों को सुरतकल, धारेश्वर, गुणवंतेश्वर, मुरुदेश्वर और शेजेश्वर के मंदिरों में फेंक दिया गया। हालांकि गोकर्ण लिंगम नहीं हिला, यह बिल्कुल गाय के कान की शक्ल में बदल गया और इस तरह शिव गुफाएं और महाबलेश्वर मंदिर अस्तित्व में आए।